गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम सोशियोलॉजी इन इंडिया जो आपका पेपर है MSO 04 फर्स्ट ईयर का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका यूनिट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कि ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव। बेसिकली जो कास्ट है, आप लोग मोस्टली स्टूडेंट, मोस्टली क्या सभी, मुझे लगता है कि इंडिया के स्टूडेंट होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप जाति प्रथा से वाकिफ ना हो या जाति प्रथा को आप जानते ना हो। तो उसी में जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उसको हम सोशियोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि जाति एक्चुअली है क्या, ठीक है। और ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव इसलिए लिखा गया है बिकॉज हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो बुक्स छपी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा, उन लोगों ने क्या किया है कि जो ब्राह्मण्स का पर्सपेक्टिव या जो किताबें लिखी गई हैं, वहाँ से आइडियोलॉजी लेके समझने की कोशिश की है कि कास्ट क्या है। यानी मान लीजिए कि जैसे हिंदू धर्म में जाति को लेके अनेकों वेदाज में डिस्कशन किया गया, अलग अलग किताबों में, मनुस्मृति में डिस्कस किया गया, वहाँ से आइडिया लेके डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, किया है कि एक्चुअली में कास्ट क्या है, अगर हम देखें कास्ट के पर्सपेक्टिव से ही, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लाइफस्टाइल एंड वर्ल्ड व्यू, जो भी जीवन शैली है और ब्राह्मण्स का, और उन उनकी नज़र से, ब्राह्मण्स के नज़र से कास्ट क्या है या ब्राह्मण के हिसाब से दुनिया क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो जितने भी किताबें वगैरह लिखी गई हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण्स द्वारा लिखी जाती हैं, उससे हम कास्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो भी पुरानी किताबें, पुराने रहन सहन, कहानियाँ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और चीज़, हम समझने की कोशिश तो किताबों से कर रहे हैं इसके बारे में, जैसे कि वेदा, सबसे पहले ऋग्वेदा का आपको नाम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको ज़्यादातर स्टडी किसने किया? सोशियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। तो जो टर्म वर्ण आता है, या वर्ण जिसे बोलते हैं हम, इसका मतलब होता है कलर, ठीक है, इसका मतलब होता है रंग। और अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें, जो भी धार्मिक किताबें हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णा, मतलब वर्ण का, जिस वर्णा के बारे में जब बात की गई है, तो वो पीपल को ग्रेड करने की कोशिश की गई है, ग्रेडिंग देने की कोशिश की गई है, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, ठीक है। तो ऋग वेदा की अगर बात माने, तो ऋग वेदा में हमें रेफरेंस मिलता है कि जो आर्य है, आर्य वर्णा है, जो कि आर्यन लोगों से है। आर्यन लोगों की थ्योरी आपको पता होगी कि माना जाता है कि जो नेटिव भारतीय लोगों हैं, लोग हैं, उन पे आर्यन लोगों ने आके अटैक किया था और भारत में रहने लगे थे, ठीक है। तो ऋग वेदा के हिसाब से जो आर्यन लोग हैं, वो लाइट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, यानी गोरे दिखते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो दास वर्ण है, या जो दास वर्ण है, जो कि नॉन आर्यन लोग होते हैं, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, यही उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऋग वेदा में हमें ये देखने को मिल जाता है, ऋग वेद में हमें ये देखने को मिल जाता है कि चार तरीके से सोसाइटी में, चार वर्ण की नहीं, बेसिकली चार ऑर्डर की बात करते हैं, जिसमें ब्राह्मण हैं जो कि प्रीस्ट होते हैं, क्षत्रिय हैं जो वॉरियर्स होते हैं, वैश्य हैं जो कि नॉर्मल लोग होते हैं। अगर हम घुरिया की बात करें, तो वो बताते हैं कि जो लिटरेचर में वर्णास की बात करते हैं, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कई बार तो हिंदू धर्म को हम वर्ण वर्ण आश्रम धर्म कह देते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि ऐसा धर्म जिसमें वर्ण है, या वर्णा लेवल पे डिवीजन है। अगर हम ऋग वेदा की बात करें, तो वर्ण वर्ड को कभी क्लासेस पे नहीं दिखाया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि हमने ज़्यादातर हम वर्ण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्लासेस को दिखाने के लिए ना, कि ये अपर क्लास है, कास्ट है, मान लीजिए क्लास है, कास्ट जो भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह। लेकिन ऋग वेद में ये दिखाने के लिए नहीं किया गया। ऋग वेद में क्या दिखाने के लिए किया गया है कि दो प्रकार के लोग थे, एक आर्य वर्णा के थे जो कि गोरे कॉम्प्लेक्शन के थे, एक दास वर्णा के जो थे जो गोरे नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सत प्रथा ब्राह्मण की बात करें, तो वो फोर क्लास, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चार क्लासेस को दिखाया गया है, चार वर्ण के तौर पे। यहाँ पे भी वर्ण का मतलब कलर है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आर्य और जो आर्य हैं और दास हैं उनके बीच में, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि जो आर्यंस थे वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, और दास जो थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, ठीक है। ये यहाँ पे यूज किया गया। अगर हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो है पुरुषोक्ता,
और इसमें बताया गया है कि फोर ऑर्डर सोसाइटी में रहती है, और हर कोई जो पुरुष है या ब्राह्मण है उनके शरीर से निकला है, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, तो सबसे पहले जो है वो माउथ से निकला है यानी ब्राह्मण, आर्म से जो निकला है वो क्षत्रिय, थाई से जो निकला है वो वैश्य वैश्य, और जो फीट से निकला है वो क्या हो जाएगा, शूद्र। ये सेम वाली लॉजिक हम लगाते हैं कि ब्राह्मण के बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण्स, और उनके बाजुओं से क्षत्रिय जो कि लड़ाई का काम करते हैं, उनके थाइस से जो होते हैं वो निकले हैं वैश्य, और फीट से शूद्र। यही सेम वाला, ठीक है, पुरुषा वाला ही ब्राह्मण पे भी अप्लाई कर दिया जाता है, ब्रह्मा जो गॉड थे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, कभी कभी दोनों वे में आगे आप एग्जाम्स देंगे देखा जाएगा, तो पुरुष या जो यहाँ पे बात की गई पुरुष सूक्त उससे निकला है, ठीक है। तो अब हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो बहुत सारे नाम समय उसमें मिलते हैं, जैसे कि चंडाल, निषाद, पौलकासा, जो कि वर्ण स्कीम से, ये चार जो हमने लेवल क्रिएट किया है इस चार लेवल से वो बाहर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अनक्लीन ऐसे कार्य करते हैं जो साफ नहीं है, ठीक है, बॉडीज को जलाना, डेथ के बाद क्लीनिंग वगैरह इस टाइप के, इसीलिए उनको अनटचेबल यानी अछूत माना जाना चाहिए, ये बात की गई है इसमें, ठीक है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में हर जाति को एक कलर से एसोसिएट करके देखा गया, एक रंग से। मान लीजिए ब्राह्मण को कहा गया है व्हाइट होते हैं, क्षत्रिय रेड होते हैं, वैष्णव येलो होते हैं, शूद्र जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। और इससे बिलीव किया जाता है कि हर हर जो वर्ण है वो अपनी जो प्योरिटी है या अपने कलर है उसको मेंटेन करके रख सकता है, कैसे, अगर वो शादी दूसरे वर्ण के, मतलब दूसरे वर्ण से ना करे, यानी इंटरकास्ट या इंटरवर्णा मैरिज ना हो। मान लीजिए कि रेड कलर वाला क्षत्रिय किसी ब्लैक कलर के जो हैं उनसे मैरिज कर लेता है, तो ऑफ कोर्स उनका कलर चेंज हो जाएगा, इट मींस कि उनका जो वर्ण है उसमें भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे महाभारत के हिसाब से ये बात की गई है। तो हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने वर्णा से बाहर शादी करने से बचते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, और अपना कलर मेंटेन करने की यानी अपनी प्योरिटी, कलर इज इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए अपनी पवित्रता मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ओके, हम प्योरिटी ऑफ ब्लड एंड कलर की बात करें तो ये भी आइडिया ओवरऑल यहीं से आता है। तो देखिए एक और चीज यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि आप अपने कास्ट से या वर्ण से अलग शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज है, ठीक है, समाज में लोग हैं तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो लोगों ने अपने वर्ण से अलग या वर्ण से बाहर जाके शादी किया है, और ऐसे में बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सत्यकाम जबला और विश्वामित्रा, इनके तो फादर मदर अननोन ही थे या इनके फादर अननोन थे, और ये एक जो ये सत्यकाम है ये एक सर्वेंट जो थी उनसे पॉर्न हुए थे, पर इनके फादर कौन थे इनको नहीं ज्ञात था। तो इस टाइप के हमें केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे नहीं एग्जैक्टली पता है या कोई अपने वर्ण से बाहर जाके शादी किया है इस टाइप के। अगर हम जो घुरिया की स्टडी है अगर उसकी हम देखें तो इन्होंने स्टडी किया है पंजाब और उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पाया है कि जो ब्राह्मण है ना उनका क्लोज काफी रिलेशनशिप है किससे, शूद्रा कास्ट से, ठीक है, शूद्रा वर्णा से। तो यहाँ पे हम देखिए एक लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर जगह ये कास्ट या वर्णा सिस्टम फॉलो हो रहा हो, ठीक है। उसके का जो डिवीजन है ना, हम उसको प्लैनेट इवन सोइल, मतलब जो मिट्टी है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बोस की स्टडी में इन्होंने बताया है कि सोइल को यानी मिट्टी को भी हम रिकग्नाइज कर सकते हैं सर्टन इंडिकेशन, उसमें कुछ चीजें दिखते हैं, जैसे कि जो ब्राह्मण सॉइल होगा, ठीक है, वो व्हाइट होगा कलर में, और उसकी जो खुशबू होगी वो बटर जैसी होगी, घी जैसी, ठीक है, क्लारिफाइड बटर मतलब घी जैसी होगी। एंड ठीक है, अगर क्षत्रिय सॉइल की क्षत्रिय जो वर्णा का जो मिट्टी होगा उसका जो कलर होगा वो लाल होगा, और इसका स्मेल भी ब्लड जैसा होगा, टेस्ट थोड़ा बिटर हो सकता है। अगर हम विश्व सॉइल की बात करें, ठीक है, तो येलो कलर का होगा, और
अर्थी अर्थी उसके अंदर वो होगा, स्मेल होगा और उसका टेस्ट खट्टा होगा। शुद्ध सॉयल की बात करें तो ब्लैक कलर में होगा और टेस्ट करेगा वाइन जैसे। ठीक है, अल्कोहल को जिस तरीके से आपको पता है कि मदिरा पान को हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता, तो शायद इसी वजह से यहाँ पे ये कंपैरिजन किया जाता है कि वाइन जैसा टेस्ट करेगा। क्योंकि आई गेस मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया, बट लोग बोलते हैं कि वाइन थोड़ा पुराना या इस टाइप का स्मेल करता है जो अच्छा नहीं लगता या टेस्ट करता है। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बाय द वे। तो उसके बाद इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें अगर हम, तो जो बेसिकली आपका गणना मंडना ऐसा मनाया जाता है या जो आपकी कुंडली वगैरह देखी जाती है, तो बिलीव किया जाता है कि हर पर्सन जो है वो अपने रियल वर्णा से अलग एक वर्णा में पैदा भी हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि आप टेक्निकली ब्राह्मीण वर्ण में पैदा हुए हैं, बट जब आपके जन्म जाति सॉरी जन्म का पत्री बिठाया जाएगा तो हो सकता है कि आप डिफरेंट वर्ण में भी पैदा हुए हो। ठीक है, और वो किस चीज़ से डिटरमाइंड होती है कि आपकी राशि क्या है, मतलब आपकी जॉडियक साइन क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि आप ब्राह्मीण वर्णा के हैं, पर वैसे शूद्र भी हो सकते हैं अपने उसके राशि के हिसाब से या जॉडियक के हिसाब से, अपने टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, और जोडियक इम्पॉर्टेंट है किस लिए, उसका एलिमेंट मतलब आपका जो ये राशि है वो इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि वो बता सके कि आप किस गुना के हैं, किस एलिमेंट किस क्वालिटी की है। ठीक है, हिंदूज में कि सत्व गुना राजो गुना ये सब चीज़ें होती हैं, तमो गुना, तो इससे पता चलता है कि आप किस गुना में पैदा हुए हैं। तो देखिए तीन गुना है। ठीक है, सत्व गुना जिसका मतलब होता है ब्राइटेस्ट ब्राइटनेस इंटेलिजेंट, राजगुना जो कि एनर्जी और मतलब रिग्रेस एक्टिविटी को वॉर वगैरह को बताता है, एक होता है तमोगुना जो कि डार्कनेस और इनएक्टिविटी लेजी लोगों को बताता है। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि डिफरेंट ये जो कंबाइन होता है प्रोपोर्शन गुनास का लोगों के अंदर होता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पीपल के लिए गीता गीता की अगर हम बात करें, गीता में दैट फोर वर्णास वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ गुनास। ठीक है, जो चार गुना थे वो किस पे मतलब चार जो वर्ण थे वो गुना के हिसाब से मतलब गुण के हिसाब से बनाए गए थे। जो सत्व गुना में पैदा हुए हैं वो उनका माइंड, सेल्फ कंट्रोल, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, हर चीज में अच्छे होते हैं, वो ब्राह्मीण होते हैं। जो रजोगुना के थे या रजोगुण का थे तो उनके अंदर ब्रेवरी बहुत होती है, किनशिप मतलब जो होती है उनकी स्ट्रांग होती है, उसके बाद वॉर स्किल्स वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, क्षत्रिय। और उसके बाद एक ग्रुप था जो दूसरा ग्रुप वो कैटल्स वगैरह जैसे एनिमल्स वगैरह रखना, ट्रेड कॉमर्स ये सब काम करना जो कि वैश्य करते हैं। एंड तमोगुना उनके अंदर होता है जो दूसरों को सर्व करने के लिए या सेवा करने के लिए होते हैं और मैनुअल काम जो होता है वो करते हैं जो कि शूद्रास। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। विष्णु स्मृति का आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है कि किस तरीके से ब्राह्मीण वेदास को पढ़ाता है और आप ब्राह्मीण जो है सेक्रीफाइस करता है उसके बदले उसको मतलब चीज़ें मिलती हैं, क्या बोलते हैं कि कुछ दान वगैरह मिलता है। क्षत्रिय जो है वो लोगों के लिए युद्ध करता है, लोगों को बचाता है, ठीक है, एनिमीज से, एंड मिलिट्री का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर सकता है, नौकर सहनौल बन सकता है। वैश्य जो है वो अपना जो जीवन है वो क्या करता है कि काम में मतलब बेसिकली व्यापार द्वारा या खेती द्वारा काम करता है। उसके बाद शूद्रास जो होते हैं वो और लोगों को सर्व करने के लिए और पैदा हुए होते हैं। ठीक है, और जो धर्म के हिसाब से आपको अपने हिसाब से या इस कास्ट रूल के हिसाब से ही चलना होता है कि किस कास्ट में पैदा हुए हैं, उसी तरीके से काम करना है। और कुछ मतलब रूल्स में अगर मनु बताते हैं कि अगर कुछ ऐसी स्थिति डेवलप हो जाए तो डिफरेंट वर्णा के लोग भी डिफरेंट काम ले सकते हैं। ठीक है,